अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सारा व्लॉग में तहे दिल से वेलकम है आपको। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत हेल्दी स्ट्रांग रेसिपी लेके आए हैं और वो है दूध बादाम, जो कि बहुत ताकतवर और बहुत दिमाग को तेज़ करने वाली रेसिपी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या हम शामिल करते हैं और किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बादाम ले लेने हैं आधी प्याली। इसको हमने तकरीबन एक घंटा दो घंटे के लिए हमने पानी में भिगो के रख दिया था और इसके हमने जो छिलके हैं वो उतार लिए हैं, आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये हमने आधी प्याली दूध लिया है और इसमें हमने ये इलायची दाने डाले हैं, आप पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। और ये हमने 3 टीस्पून शुगर ऐड की है, अगर आप चाहें तो पिसी हुई शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। और ये हमने लिया है ज़ाफ़रान, तो ये भी हम शामिल करेंगे। और हम इसमें खुला दूध के साथ हम जो है ये पैक वाला दूध जो है ये यूज़ कर रहे हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये बादाम लेंगे, इनको हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसके अलावा थोड़ा सा जो दूध है, ठीक है, ये हम शामिल करेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है इसको ग्राइंड करके। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, हमने ये दूध जो है पैन में डाल के चूल्हे पर रख दिया है, हल्की फ्लेम पे इसको गर्म कर लेंगे। इसमें अब हम शुगर जो है उसको शामिल करते हैं। ये हमने तकरीबन 3 टीस्पून लिया था, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़ाफ़रान जो है उसको हम शामिल करते हैं। ये जो ज़ाफ़रान था इसके हम कुछ जो है ज़ाफ़रान की बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत बहुत टेस्टी ये बन जाता है। आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप इसमें फूड कलर जो होता है येलो वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको पकाते रहेंगे। ये देखिए बॉयल आने शुरू हो गए। सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है। तो जी दोस्तों, ये देखें इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, जो ज़ाफ़रान था उसका कलर इसमें आ गया है और ये येलो येलो सा हो गया है और ये पक भी गया है और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो चलिए अब हम जो है फ्लेम जो चूल्हा है उसको बंद कर देते हैं। चलिए फ्लेम को हमने बंद कर दिया
और अब इसको हम निकालते हैं। तो जी माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ये दूध बादाम शेक तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज और मज़ेदार लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़िंदगी छोटी सी है, इसको एंजॉय कीजिए, खाएं पिएं, खुश रहें, खुश रखें और जिए तो ऐसे की दुनिया आपसे सीखे जीना। और अगर पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आप तक नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचता है। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर आ जाऊंगी। सारा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।